जाओ यहां से, तुम्हारी अम्मी से खुद बात करूंगा। जाओ ठीक। कब से चल रहा है फोन का सिलसिला? दूर पीछे रह के बात क्या करो जी? सारा गलत है ये, तुम्हें एक बार समझ क्यों नहीं आती है? अब दोबारा समझा दें मिस। एक बात बताओ, तुम ये बाकी सबकी तरह मुझे आप ही क्यों नहीं कहते? आप ही ये कहता है शिटर, तो आप ही मेरी मिस नहीं है, मिसेज है। घटिया बेशरम। पहले पूरी तरह उग तो जाते फिर अपना फरमान जारी करते। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या किया इस बेचारे ने? बेचारा ये बेचारा है, मैंने इसकी जबान गुद्दी से खींच लूंगी, बल्कि इसे गंजा करके गधे में बिठाऊंगी ताकि इसकी सारी हीरोगिरी निकले। शिजरत हुआ क्या है बताओ तो सही। मैंने आपसे कहा था ना इसकी आंख अच्छी नहीं है। आंख? आंख आंख मतलब तरबियत, मतलब नियत। आपने कहा था आपके दोस्त का भतीजा है, ऐसे घटिया लोगों से दोस्ती आपकी? इस पे भी बस नहीं, से घर में घुसा लिया। खालिद भाई के आने पे तो तूफान खड़ा कर दिया था। क्या बकवास कर रही हो? क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ है? अम्मी मामू, ये बच्चा ना ये बहुत ही बदतमीज है, जब से आया है मुझे तंग कर रहा है। बाजी तो कहता नहीं है मुझे, अभी भी क्या कह रहा है कि मिस नहीं मिसेज है। अजीब निगाहों से देखता है मुझे, मैं इसे नहीं पढ़ा सकती। वही स्केच बनाया है मेरा, बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप बताएं मैं क्या करूं? क्या बात है, क्या बात है? सब समझ गया मैं, बहुत ही होशियार बेटी आपकी तो फूफू। मैंने फीस लेने से इनकार किया तो तुमने से जान छुड़ाने का ये तरीका निकाल लिया, बहुत ही घटिया सोच है तुम्हारी। शिजरत बेटा, इस घराने से तो हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, और ये फिर बच्चा तो हमारे सामने का है। तुम्हें अगर फीस चाहिए थी तुम इसको बोल देती कि फीस लेकर आ जाओ, लेकिन इस तरीके से। मामी मुझमें इतनी जरूरत है कि मैं कह सकती हूँ बगैर फीस लिए मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे ऐसे हाथ कंडों की जरूरत नहीं है। जरूरत तो तुम में बहुत है, इसीलिए तो ये इल्जाम लगाया इस पर तुम। घर जाओ तुम, ठीक है? और सुनो, किसी को बोलना मत यहाँ क्या हुआ। चलो। आप मेरा साथ देने के बजाय इसे घर भेज रहे हैं, इसका मुंह क्यों नहीं तोड़ देते आप? मैं से नहीं जाने दूंगी। छोड़ो, चलो मेरे साथ। भाई इसे बोला था, बहुत बार बोला था। हम सबके सामने बोला था, हम सबने सुना था, है ना? और इसने ये भी बोला था मिस मुझे पसंद आ गई है, और रजिस्टर में नाम भी लिखा था। Thank you.